हिमाचल प्रदेश में भले ही बारिश थम गई हो, मगर बीते कुछ दिनों में भारी बारिश ने जो तबाही मचाई थी, नेशनल हाईवे ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली एनएच 205 पर 35 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसे प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमों ने मिलकर लगातार हाईवे को क्लियर करवा दिया था। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सोहारघाट से लगते ग्रामीण इलाकों की, तो लैंडस्लाइड के चलते लिंग रोड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उपमंडल सोहारघाट के ग्राम पंचायत री के डेढ़वाल गांव की कच्ची सड़क बीते कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण काफी प्रभावित हुई है, जिसके कारण वाहनों का आना जाना भी बंद हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण किस तरह एक छोटे से रास्ते से बीमार व्यक्ति को खाट पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे तक लाए थे। बिलासपुर जिले के अंबरपुर पंचायत के तहत पनौल का तालाब आज अपनी अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति पर पहुंच गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि तालाब में कई क्विंटल मछलियां मर चुकी हैं और चारों तरफ केवल बदबू ही बदबू फैली हुई है। जहां एक और गायों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा तालाब में मिलने से तालाब का पानी दूषित हो गया है, तो साथ ही मछली पालन के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। वही मछलियों के मरने के बाद जहां बदबू के फैलने से ग्रामीण परेशान है, तो वही तालाब की जल्द सफाई करवाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय ग्रामीण अपील कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मछलियों के मरने के पीछे कारणों की जांच करवाने के साथ ही जल्द ही तालाब की सफाई करवाने और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए तालाब के चारों ओर दीवार बनाने की अपील की है। वहीं इस संबंध में बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पनौल ताल के रखरखाव के लिए स्थानीय पंचायत द्वारा एक व्यक्ति को टेंडर किया गया, मगर आपसी विवाद के चलते पनौल ताल की उचित सफाई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने तालाब से मरी हुई मछलियों को जल्द निकालने और तालाब की सफाई करवाने के संबंधित विभाग को आदेश दे दिए हैं। बाकी जो इसकी ताल की जो टोटल मछली है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। जो बदबू फैल रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ बैठ नहीं सकते लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी का डर बना हुआ है। ये पनौल ताल कहते हैं जिसको, और इस ताल के नाम से मशहूर है, बस स्टेशन भी है यहाँ पनौल ताल के नाम से, और इसमें मछलियाँ डाली हुई हैं और पता नहीं अब पानी की वजह से, गंदे की वजह से मर रही हैं या क्या कारण है। तो इसका ऐसा नहीं, इसकी छानबीन होनी चाहिए क्या कैसे मर रही हैं। हाँ जी, इसकी सफाई होनी चाहिए, और जो जितना माल बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं 1 किलो से लेकर आगे तक, बहुत 5-6 किलो की मछली है इसमें, तो इसको निकाला जाए और मार्केट में दे दिए, और पैसा जो है पंचायत को दे दिया जाए। अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम से चलेगी, जिसमें भारत QR कोड मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। स्मार्ट शहर के लोगों के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सिस्टम शुरू किए जाने की योजना है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार कर ली है, साथ ही अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खेल नगरी धर्मशाला को अब जल्द ही स्मार्ट बनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की DPR तैयार कर ली है। स्मार्ट शहर के लिए तैयार किए गए डिजिटल सिस्टम में सबसे हाईटेक सुविधा शहर के लोगों को प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत शहर की दुकानों, होटलों और छोटी मोटी सभी दुकानों को शामिल किया गया है। इसके तहत लोगों को स्मार्ट डिजिटल कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे ही शहर के लोग अपनी खरीदारी कर सकेंगे, साथ ही किसी भी कार्य के लिए ऑनलाइन ही भुगतान किया जा सकेगा। इंटीग्रेट मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए तीन कॉम्बिनेशन एक साथ प्रदान किए जाएंगे। इसमें पहला मोबाइल ऐप होगा, जो कि हर व्यक्ति के स्मार्ट मोबाइल में रहेगा। इसके साथ ही भारत QR कोड सिस्टम से भी भुगतान किए जा सकेंगे। इसके अलावा ATM कार्ड की तर्ज पर डिजिटल कार्ड भी लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिससे भी लोग आसानी से अपने सभी खरीदारी व अन्य भुगतान आराम से कर सकेंगे।
पहली बार पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए किया जा रहा है। इसके चलते कार्य को अंतिम रूप तक पहुंचाने में काफी देरी भी लग रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब डीपीआर तैयार होने के बाद जल्द ही टेंडर डॉक्यूमेंट प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निदेशक स्मार्ट सिटी एवं मेयर नगर निगम धर्मशाला देवेंद्र जग्गी ने बताया कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाला धर्मशाला देश भर में पहला स्मार्ट सिटी होगा। के बाद ये टेंडर लग जाएगा जिससे धर्मशाला में मुझे लगता है कि हिमाचल में ये पहला सिस्टम चलेगा जिसमें हम स्मार्ट कार्ड की तरह धर्मशाला स्मार्ट कार्ड की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं जिसको धर्मशाला में शॉपिंग उस बेस पे हम लोग कर सकते हैं। और ये जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पर्यटकों के लिए। तो पर्यटकों को भी यहाँ कार्ड बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल, पर्यटक भी यहाँ के अपना कार्ड बनवा सकते हैं और उसी कार्ड पे वो सारी पेमेंट धर्मशाला में कर सकते हैं। थैंक यू सर।